हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। तो आज मैं लेके आई हूँ, अभी ना मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाली थी माय कैबिन क्रू इंटरव्यू एक्सपीरियंस, उस पर अच्छे व्यूज़ आए हैं, लाइक 1K+ व्यूज़ आए हैं, जो मेरे काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे फर्स्ट वीडियो है जिसमें 1K क्रॉस हुए हैं, सो आई एम सुपर डुपर हैप्पी। ठीक है, तो मैंने सोचा कि एक और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंटरव्यू देने जाने से पहले ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ही सर्च किया था, क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, ये सब चीज़ें। तो आज सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने जाने वाली हूँ। तो चलो वीडियो की ओर चलते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट है कि इंटरव्यू में जाने से पहले अपना BMI चेक कर लेना। ठीक है, क्योंकि BMI जो है, अगर आप एक बार अपना फिट रखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा सही है। आई मीन टू से कि लाइक अगर आप इंटरव्यू में जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे हो सकता है, बट आप अपना BMI को बिल्कुल फिट रख सकते हो। अगर आपको नहीं पता अपना BMI कैसे चेक किया जाता है, मैं यहाँ पे वीडियो ऐड कर दूंगी, आप देख लेना उसको कैसे अपना BMI मेजर करते हैं। बहुत सारी वेबसाइट हैं, आप वहाँ जाके ईजिली अपना BMI चेक कर सकते हो। और इंडिगो में 18 to 22 आपका BMI होना चाहिए। ठीक है, तो ये चेक कर लेना। और ये मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी इंटरव्यू में जाने से पहले, मैंने ये नहीं देखा था कि इंडिगो में कितना क्राइटेरिया है BMI का। ठीक है, मेरे को लगा 25 है, बट नो, इसमें 18 to 22 है। तो इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मेज़र करके जाना, सिर्फ अपना BMI नहीं, बहुत सारी अपनी चीज़ें होती है, अपना हाइट चेक करके जाना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये सब चीज़ें ज़रूर चेक करनी पड़ेंगी। और सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि मतलब बहुत सारी लड़कियों के क्वेश्चंस रहते हैं, मेरे भी बहुत ज़्यादा हैं, कि जैसे मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा स्कार्स हैं, मेरे पैरों में लाइक होते नहीं बचपन में चोट वोट लग जाती है, तो उसके बहुत ज़्यादा स्कार्स हैं, मेरे फेस पे भी हैं थोड़े बहुत, तो उसको कैसे हाइड किया जाए। इंटरव्यू में जाने से पहले मेरे पास बहुत ही ज़्यादा ये सारे क्वेश्चंस थे, कैसे क्या किया जाए। तो उसके लिए अगर आपको मेकअप भी नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप मार्केट पे जाना, कोई सा भी कंसीलर लेना, कुछ भी लेना, थोड़ी बहुत वीडियोस देख लेना, क्योंकि यूट्यूब में आजकल बहुत सारी वीडियोस हैं, तो आप उसके थ्रू भी अपने स्कार्स हाइड कर सकते हो। हल्का बहुत लाइक मेकअप कर लेना, अपने स्कार्स होते हैं उसमें कंसील कर लेना, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं आजकल, तो वो सब ट्राई करना, क्योंकि स्कार्स भी देखे जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थर्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसे लेके जाना। ऐसा नहीं है कि कभी आप सोचो मेरे पास 12th का रिजल्ट नहीं है तो रहने दो, मैं नहीं लेके जाती, या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अपना लेके जाना अपने डॉक्यूमेंट्स। अगर आप लोग को नहीं पता क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो फर्स्ट चाहिए होगा आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th 12th मार्कशीट, अगर आप ग्रेजुएट हो तो अपने ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, एंड कोविड का भी, हाँ जब मैं गई थी तो मैंने भी कोविड के इंजेक्शन के जो सर्टिफिकेट जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखे जाते हैं। अगर आपका सेकेंड डोज नहीं लगा तो कोई इशू नहीं है वैसे सेकेंड डोज में, बट ट्राई करना कि अगर सेकेंड डोज लगा है तो उसका सर्टिफिकेट लेके जाओ। और पासपोर्ट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो उसको अप्लाई कर देना। ठीक है, क्योंकि पासपोर्ट के बिना यार हम, पासपोर्ट तो हमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर नहीं है आपके पास तो उसको अप्लाई कर देना। आप इंटरव्यू में बता सकते हो कि मैं अप्लाई कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, वो बाद में मतलब क्लियर हो जाएगा। ये तीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और जो कि बहुत ही ज़्यादा अपने दिमाग में ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अपने अंदर ना कॉन्फिडेंस बिल्कुल जाने मत देना किसी को भी। देखो नो प्रॉब्लम, आप भी सबसे बेस्ट हो, अपने आप को ना ये कॉन्फिडेंस दिलाते रहना। और बस आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलूँगी आपको दूसरी वीडियो के साथ, ऐसे ही टॉपिक में लेके आऊँगी। और तब तक के लिए बाय बाय।